हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? जी हाँ दोस्तों, ये देखो आज मैं लेकर आया हूँ ड्रेनेज क्लीनर पाइप। आपको दिख रहा है, देखना इसमें से कैसा रॉकेट जैसा भागता है, किस तरह का टेक्नोलॉजी है मैं आपको इसमें दिखाने वाला। ये स्पेशली बॉश के लिए आज मैं आपको ये दिखाने वाला। बॉश का ऑर्डर किया हमने इसके। ऐसे तो अलग अलग मशीनों का भी मिलता है, अलग अलग तरह का होस पाइप मिलता है, लेकिन आज मैं स्पेशली बॉश के लिए लेकर आया हूँ। बॉश का जितना सारा मॉडल है सब में ये कम्फर्टेबल है, सब में कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन किस तरह का काम करता है, कैसे आपको यूज़ करना चाहिए, कैसे आपका घर का गटर वगैरह अगर जाम हो जाए, अगर ड्रेनेज वगैरह जाम हो जाए तो उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं स्पेशल वॉशर से, वो इसके लिए ये स्पेशली ये पाइप दिया हुआ है। मैं आपको वो डिटेल में दिखाने वाला हूँ, ताकि आप अगर इस तरह का, अगर आपको घर में अगर कोई परेशानी हो तो आप इस तरह का पाइप लेकर के आप ऐसा इसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये स्पेशली बॉश के लिए मंगाया मैंने। ये देखो, ये काफ़ी लंबा पाइप दिया हुआ है। चलो, सबसे पहले मेन क्या पता है, इस बॉश में गन के साइड में कनेक्ट कैसा हो जाएगा मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो ये निकल गया यहाँ से, और ये सिंपल यहाँ पर ये चीज़ लग जाएंगे। देखो ऐसा ऐसा दबा के ऐसा इसको ऐसा, ये देखो ये लॉक हो गया है ना। और बाद में ये देखो, ये ऐसा ये वाला साइड जाओ, वो नॉर्मली आप गटर के अंदर डाल सकते हो, अंदर जो भी कचरा वगैरह हर चीज़ ऐसे प्रेशर से निकल जाएंगे। तो मैं कोई ऐसा एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ। जैसे ये कनेक्ट हो गया, अभी इसको चालू करके मैं आपको दिखाता हूँ। आपको दिखाई दिया पानी बिल्कुल एकदम पीछे तरफ भाग रहा है, ये जो पाइप आगे जो ना वो बिल्कुल रॉकेट जैसा आगे भागेगा ऐसा। देखो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, देखो डिटेल। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये देखो मतलब बहुत तेज़ी से भाग। मैं आपको भगा के भी दिखाऊंगा, लाइव ऐसे दिखाऊंगा प्रॉपर कैसे काम करते हैं। लेकिन इसमें देखो दो नोजल दिया हुआ है, एक तो ऐसा है देखो ऐसा, ये देखो ये खाली पीछे तरफ भाग रहा है जिसमें आगे से आपको पॉइंट नहीं दिया हुआ है ना। तो दूसरा और एक नोजल है मेरे पास, ये देखो दो टाइप का दिया हुआ है। ये देखो आगे का आप ऐसा इस तरह का नोजल चेंज कर सकते हो, या आप दूसरा वाला ये वाला लगा सकते हो। जैसे आप इसको लगाओगे ऐसा, तो ये नॉर्मली पीछे भी स्प्रे करेगा प्लस आगे से एक पॉइंट भी निकलेगा। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ये देखो ऐसा, देखना कैसा भागेगा वो। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, मतलब पीछे से भी स्प्रे कर रहा है प्लस आगे से भी एक छेद है जो बहुत तेज़ी से पानी स्प्रे हो रहा है। चलो दोस्तों, मैं आपको अभी दिखाता हूँ ऐसा, देखना किस तरह का भागता है वो। पाइप पहले लंबा कर लेता हूँ मैं, बाद में प्रॉपर आपको ड्रेनेज वगैरह हर चीज़ क्लीन करके मैं आपको बताने वाला हूँ लाइव बिल्कुल, ताकि आप जब खरीदे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। ये देखो, जैसे कि ये पाइप है, पता नहीं ये किस तरफ जाएगा, क्योंकि ये किसी पाइप के अंदर तो हमने डाला नहीं ऐसा है ना। मामूली मेरे बदन में ही आएगा, मेरे ऊपर ही आएगा। थोड़ा पाइप दूर कर देता हूँ, देखना कैसा भागेगा। आपने देखा क्या, वो नॉर्मली सीधा नहीं भाग रहा है, क्योंकि पाइप रोल रोल है ना, तो ऐसा इधर उधर भाग रहा है। मैं आपको फिर से ऐसा करके दिखाता हूँ, बहुत तेज़ी से देखो स्टेबल नहीं रहता, बहुत तेज़ी से इधर उधर भागता है ना। मैं आपको दूर से फिर से दिखाता हूँ। सच को तो ये क्या रोल रोल है ना, इस वजह से दिक्कत आ रहा है। सच पाइप अगर सीधा रहता तो अच्छा होता, तो मैं आपको सही से दिखा पाता कि एक्चुअली ये किस तरह से काम करता है। पाइप भी काफ़ी लंबा दिया है, देखो 10 मीटर का पाइप है वो। चलो अभी देखते कैसा हो रहा है, मेरा कार में लग ना जाए। ओह शिट, प्रेशर मारा तो सीधा वहाँ से यहाँ पर भाग के आ रहा है, पर एक्चुअली सीधा रहना चाहिए था। कैसा करेंगे अभी इसको सीधा, कैसा करेंगे, सीधा तो नहीं हो पा रहा है। बिट्टू आ जाए, गन को पकड़। एक सेकंड के लिए चालू कर, खाली एक सेकंड के लिए। हाँ हाँ, इसे दबा के रख। ये देखो ये कितना फोर्सली जो है ना, ये जो पाइप है ना वो आगे तरफ पुश कर रहा है। ये देखो इस तरह से, मतलब गटर के अंदर जो है ना जाएगा बहुत तेजी से। ये देखो आपको दिख रहा है, ये देखो। लेकिन अगर मैं इस पाइप को भी छोड़ दूँ ना तो इधर उधर भाग जाएगा बहुत तेज़ी से। चलो बंद करो, तो मैं आपको सीधा इसे प्रैक्टिकली अभी गटर के अंदर डाल के दिखाता हूँ, पाइप के अंदर डाल के दिखाता हूँ वो किस तरह का पाइप का पूरा कचरा क्लीन करता है। दोस्तों ये देखो, ये है हमारा गटर पीछे का है ना, उसके मैं इसका ढक्कन निकाल देता हूँ। ये देखो यहाँ पर जो ना पानी ठीक से फास्ट नहीं जाता है, तो हम इसमें भी डालने वाले और देखने के बाद में ये कैसा क्लीन करता है मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। और बाद में देखो ये भी पानी भरा हुआ, इसको मैं कोशिश करूँगा, पता नहीं वो वाला कहाँ से कहाँ गया कुछ मालूम नहीं। ये देखो यहाँ पर भी एक है, तो कुल मिला के इसमें हर तरह का पाइप में डाल के इसको प्रॉपर से क्लीन करेंगे, देखना ना किस तरह से काम करता है। दोस्तों ये देखो, इसमें जो दो नोजल आता है मैं आपको दिखाता हूँ, चलो करके ऐसा। ये देखो ये बहुत फोर्सली ऐसा मर रहा है ना, तो दूसरा और एक जो मेरे पास नोजल है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो लास्ट टाइम मैंने लगाया था। ये देखो इसको मैं फिर से निकालता हूँ और ये वाला डालता हूँ,
क्योंकि जब गटर के अंदर डालेंगे तो सामने ऐसा फोर्सली वो भी निकलना चाहिए, तो ऐसा डाल के देखते, दोनों भी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे ना। तो अभी इसमें कैसा आएगा देखो, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें से ये देखो, ये मतलब सामने भी एक पॉइंट निकलता है ना। तो अब एक काम करेंगे, गटर के अंदर डालेंगे ऐसा ये, और फिर इसको प्रेशर मारेंगे ये देखो पाइप ऑटोमेटिक अंदर जाता है, कचरा निकल रहा है देखो कैसा अंदर, ये देखो पूरा कचरा बाहर आ जाएगा, वो पाइप ऑटोमेटिकली अंदर जाता है फोर्स से। ये देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो पूरा कचरा बाहर आ गया, चलो पाइप इसका इतना ही लंबा था तो ये हो गया। और ये देखो सेम ऐसे ही अगर हम ये वाला लगाएंगे ना तो इसमें ज़्यादा फोर्स आएगा, ये जो आगे वाला पॉइंट है ना, अगर समझो आगे किसी तरह का ब्लॉक है तो आप ये आगे से पानी निकलने वाला इसको आप लगा सकते हो। अगर नॉर्मली अगर आपको पूरा प्रॉपर तरीके से अगर क्लीन करना है साइड वाला, अगर खाली इससे अगर हो जाएगा तो आपको पॉइंट वाला आगे से वाला नहीं चाहिए, ये नॉर्मल इससे हो जाएगा देखना। ये देखो दो तरह का नोजल है, खुल में आप दोनों मंगा सकते हो, आप अपने यूज़ के अनुसार उसको ले सकते हो। जैसे कि अभी इसको पाइप के अंदर डाल दिया ऐसा, अब उसको हम फोर्स मारेंगे, ये देखना कचरा कैसा अंदर आएगा बाहर निकलेगा, ये देखो ये पूरा काला काला निकल रहा है, देखो पूरा ब्लॉक हो गया था, ये देखो वाओ पूरा देखो कितना कचरा निकल रहा है, देखा क्या। और देखिए मुझे लगता है ये वाला जो गटर है देखो पानी भर गया ना, देखना वो वाला क्लीन हो जाएगा इधर से कचरा निकलने की वजह से, पूरा गंदा बदबू मार रहा है ये, वो देखो वाओ पल भर में बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाएगा, देखो ये सब कितना गंदा निकल रहा है देखो, शिट पूरा काला काला ब्लॉक हो गया था पूरा, देखो ये देखो क्या निकल रहा है कचरा, पूरा कचरा निकल रहा है, वो पूरा पाइप ब्लॉक हो गया था, जाने दो पूरा निकल जाने दो। सच का तो इस पानी पाइप में ना इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि मेरे को उल्टा खींच के रखना पड़ रहा है, मतलब पाइप जो है ना वो बहुत तेज़ी से अंदर एकदम चला जाता है एकदम, ये देखो खुद से आता है वो, कुछ करके खुद से चला जाता है, शिट क्या क्या बाहर निकल रहा है देखो ज़रा। चलो मैं फिर से डालता हूँ, और अभी पूरी तरह से अभी क्लीन नहीं हुआ, अभी बहुत सारा कचरा अभी बाकी है, पूरा देखो ना कचरा भर गया यहाँ पर। एक काम करते सबसे पहले ये जो बाहर निकला ना कचरा इसको पहले फेंक देता हूँ, नहीं तो वो पूरा गटर के अंदर चला जाएगा। ये पाइप के अंदर से कितना सारा कचरा निकला पहले ये देखो शिट इसको कैसा निकालूं मैं, ये पूरा पाइप के अंदर ब्लॉक था, ये देखो ये निकला इसके पाइप के अंदर डाला, यहाँ से यहाँ पर ये कनेक्ट है, ये देखो यहाँ से यहाँ कनेक्ट है ना, तो ये वाला पाइप में ब्लॉक हो गया था, इस वजह से यहाँ पर पूरा एनी टाइम पानी भरा रहता था। तो अभी मैंने इसको क्या कर दिया, ये कचरा जो है निकाल दिया, बाद में देखो अभी क्लीन हो गया, अभी और ज़्यादा कचरा निकलेगा उसके अंदर से, ये देखो अभी भी कचरा बाहर आ रहा है, देखो ज़रा कितना सारा, ये देखो कितना सारा बाहर निकला फिर से, चलो ये भी फेंकेंगे। अब देखो यहाँ से साफ पानी निकल रहा है, देखा क्या आपने, देखो अब यहाँ से जो है ना वो कचरा निकलना बंद हो गया है, पूरा कचरा निकल चुका है, अभी बिल्कुल एकदम क्लीन हो गया है दोस्तों, ये देखो बिल्कुल एकदम मस्त, ये जो ड्रेनेज था यहाँ से बिल्कुल एकदम क्लीन हो गया, देखो पूरा एकदम प्रॉपर क्लीन हो गया, अभी यहाँ से इस पर जो है नार पर क्लीन हो गया। पहले क्या होता था नॉर्मली ये वाला गटर एनी टाइम भरा हुआ रहता था, यहाँ से ओवरफ्लो के इसमें आता था, अब क्या हो गया हमने ये वाला गटर जैसे अभी क्लीन कर दिया है इस पाइप के प्रेशर से, अब वो प्रॉपर क्लीन हो गया, अभी सीधा वहाँ से यहाँ पर आर पर हो जाए। तो दोस्तों हमने तो अभी ये बिल्कुल एकदम क्लीन कर दिया है, बाकी ये जो पाइप है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके अमेजन से खरीद सकते हो, और बाकी जो अलग अलग मशीन का भी जो अलग अलग पाइप आएंगे वो भी मैं दे दूंगा, ताकि आप अलग तरह का मशीन में भी अगर इस तरह का अगर आपको पाइप लगाना है तो आप वो भी खरीद सकते हो, तो मैं दोनों का भी लिंक दे दूंगा आप, तो आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आपको जो वाला ठीक लगे वो पाइप आप खरीद सकते हो, बाद में आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।